नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक कुरान। इस वक्त मौजूद है हम कोढ़ा बाज़ार में, जहाँ पे कि इस वक्त NH-31 पे हम खड़े हैं, जहाँ पे कि सीधे तौर पे देखा जा रहा है लॉकडाउन का जो अनुसरण है किस प्रकार से पालन किया जाता है या फिर तोड़ा जाता है। यहाँ पे सीधे तौर पे देखा जा रहा है लॉकडाउन नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। यहाँ पे जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ दिख रही है। हमारे चारों ओर देख सकते हैं कि लॉकडाउन बोल करके कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा। रोड पे गाड़ियाँ ऐसे ही दौड़ रही है जैसे मानो कहीं कुछ है ही नहीं। और उसी प्रकार आप देख सकते हैं हमारे पीछे की ओर कि ये सब्जी बाजार है और सब्जी बाजार में किस प्रकार की भीड़ें लगी हुई है, किस प्रकार से लोग बेधड़क होकर के सब्जियाँ खरीद रहे हैं। और गाड़ियाँ जो है मतलब कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है कि लॉकडाउन भी है, सीधे तौर पे लोग चलते दिख रहे हैं। हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि यहाँ की जो प्रशासन है, और ये जो बाज़ार है कोढ़ा थाना से जस्ट 100 मीटर की दूरी के आसपास होगी, लेकिन यहाँ के जो कोढ़ा थाना के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी है वो इस चीज़ को लेकर के थोड़े भी मुस्तैदी में नहीं है, थोड़े भी आंकड़े में नहीं है। और सीधे तौर पर यहाँ पे थाना के जस्ट बगल का ये बाजार है जहाँ पे सीधे तौर पे नियमों की उल्लंघन होती हुई दिख रही है। ऐसे में हम कुछ लोगों से बातें करेंगे और जानेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। मास है भाई, अच्छा क्या कीजिएगा इसे, मास सबको है, मास सबको है सर। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो सावधानी बोल करके कुछ भी नहीं बरत रहे। इनको थोड़ा सा भी अपने जान को लेकर के, अपने परिवार के लेकर के किसी भी सुरक्षा की डर ही नहीं है। ये इतने बेधड़क हो चुके जैसे मानो कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। ये हालात है हमारे बिहार का। ऐसे तो कहने के लिए 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लॉकडाउन दिख कहाँ रहा है? ना प्रशासन मुस्तैद दिख रही है, ना कि यहाँ की सरकार की कमी दिख रही है। देख सकते हैं कि ये बाजार है, 7 से 11 बजे तक अलाउ किया गया है, लेकिन जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। लोग जो है सभी दुकानों पे इस प्रकार से भीड़ देखी जा रही है जिसका कुछ कहना ही नहीं है। और ऐसे में जो ये हालात है, ये हालात बेकाबू हो सकते हैं। ये जहाँ COVID-19 की बात आती है तो COVID-19 ऐसे ही फैलता है, क्राउड वाले प्लेस से फैलता है, लेकिन लोग थोड़ा भी मुस्तैदी नहीं कर रहे मतलब लॉकडाउन के नियमों को पालन करने के लिए मान नहीं रहे। हम देख सकते हैं कि बाजार में किस प्रकार से भीड़ लगी है, और यहाँ की जो प्रशासन है ये भी कुछ नहीं कर पा रही है। प्रशासन अपने कामों में व्यस्त है और लोग जो है बेधड़क होकर के मार्केटिंग करने पे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं एसेंशियल सेवाओं के अलावा कपड़े वगैरह जो है बेचे जा रहे हैं सीधे तौर पर। और हम आपको सीधे तौर पर चाचा जी से बात करके दिखाते हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? क्या हुआ सर? क्या नाम है? मोहम्मद आशिफ। लॉकडाउन है आपको? बस बंद कर रहे हैं सर। लोग कपड़े बेचने के लिए सेंसियल सेवा में है क्या? बस बंद कर रहे हैं सर। बेच रहे हैं तो आपका मास्क कहाँ? सर मास्क तो पहने हुए थे। मास्क लगाइए। कहाँ मास्क है आपका? क्यों करते हैं? बस सर गलत बात है। आप देख सकते हैं कि घेराबारी बाजार, और यहाँ पे जो बाजार है एसेंशियल सेवाओं के अलावा और भी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, लेकिन ऐसे में जो दुकानदार है वो प्रिकॉशन को बोल करके कहीं कुछ भी नहीं अपना रहे, बिना मास्क के बेच रहे हैं। और जो जनता है यहाँ पे वो भी उसी प्रकार से जमी हुई है। ऐसा लग रहा है कि भारत में कहीं भी किसी भी प्रकार की बीमारी तक नहीं है, COVID-19 बोल करके कुछ है ही नहीं। जहाँ देश विदेश भारत की सहायता करने में लगी हुई, वहीं पर जो भारत के अपने नागरिक है वो प्रिकॉशन बोल करके कुछ भी नहीं अपना रहे। बाजार में भीड़ ऐसे पड़ी हुई है जैसे मानो कहीं कुछ हुआ ही नहीं हो, लग रहा है कि मेला लगा हुआ है। अब देख सकते हैं गाड़ियां पे गाड़ियां।